उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय सीएम साहब को फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। हमेशा यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। ये तो बड़ा अटपटा क्वेश्चन आपका है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक मतों से जीत के जाने वाले पहले सांसद होंगे। उत्तर प्रदेश पूर्णतया तैयार होकर बैठा है। यह बीजेपी की अपनी जुमलेबाजी है, इसके इस चैप्टर पर बात ही मत करें। हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़े। इंडिया गठबंधन बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, जिसको लेके आज फूलपुर के जदयू कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। लगभग एक घंटे की बैठक में नीतीश कुमार से मुलाकात किए और नीतीश कुमार ने कई टिप्स दिया और उनको आश्वासन भी ये दिया है कि दिसंबर महीने में हम वहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद किसी भी तरह का निर्णय लेंगे। और जदयू के जो प्रभारी मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो बैठक में मौजूद थे। क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के यूपी के नेता, हम आपको सुना रहे हैं। बैठक में सभी जो उत्तर प्रदेश के हमारे जनता दल के प्रमुख नेता थे, उनको उन्होंने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, तो आज समय मिला था, इसी बाबत सब लोग आए थे और मिल करके अभी जा रहे हैं। संगठन को बढ़ाएंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे, आने वाले 2024 की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करेंगे और भाजपा को उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम? ये बात हम कैसे बता सकते हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता सकते हैं। नहीं, बातचीत तो होती रहती है, लोग बातचीत तो अभी समय नहीं ना है कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा और क्या तय किया जाएगा, वो तो जब समय आएगा तो तय किया जाएगा उम्मीदवार। मुलाकात जो ही है, क्या फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात जो आ रही थी लोकसभा चुनाव? भाई, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय सीएम साहब को फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिसंबर माह का समय दिया कि हम दिसंबर से उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। और हम लोग हमेशा यह चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आके उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। तो क्या वहाँ से मुख्यमंत्री अगर लड़ते हैं तो क्या जीतेंगे? जीतेंगे? ये तो बड़ा अटपटा क्वेश्चन आपका है। जीतने की तो सवाल ही नहीं होती। हमको तो लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक मतों से जीत के जाने वाले पहले सांसद होंगे। पहले सांसद होंगे, चलिए। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि एक प्रखंड का और एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम तो ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं से भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सामने चुनाव लड़ लें, खुदे दूध और घी में सब अंतर हो जाएगा कि किसमें क्या दम है। आज अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश पूर्णतया तैयार होकर बैठा है। उत्तर प्रदेश अगर तैयार होकर न बैठता तो इतनी जल्दी आज 2 दर्जन से ऊपर जिलों में संगठन की तैयारी न होती। संगठन तैयार है, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने लोग यहाँ आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। आखिर क्यों आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं आमंत्रित करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें? यह बीजेपी की अपनी जुमलेबाजी है, इसके इस चैप्टर पर बात ही मत करिए। यूपी में कितना जदयू मजबूत? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। पिछली बार लास्ट के दिन हम लोगों ने नामांकन किया था 25 सीटों में, जिसमें 3 सीटें हमारी सेकेंड फाइटर रही। मल्हनी विधानसभा हमारा है, ये सब हमारी विधानसभाएं सेकेंड फाइटर रही। तो अगर उत्तर प्रदेश में मजबूती नहीं है तो सेकेंड फाइटर कैसे आता आदमी? अच्छा, नीतीश कुमार ने भी इच्छा जाहिर की है उत्तर प्रदेश फूलपुर के लिए, जो बात हो रही है वो दिसंबर तक बताएंगे। दिसंबर से दौरा चालू करेंगे, उसी में वो बताएंगे कि हमें उत्तर प्रदेश से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है कोई बातचीत? उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन के ऊपर लोकसभाओं में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व का तैयारी होगा उस हिसाब से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से 4-5 PM दिए हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी फूलपुर से लड़ें और भावी PM बने। 2024 में हम लोग उनको PM बनाना बनते हुए देखना चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनको डिमांड कर रहा है और केंद्र का रास्ता फूल उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है। आपने ये बात मीटिंग में नीतीश कुमार जी से कही? हाँ जी, ये बात कही। अपील किया, उन्होंने अब कुछ कोई निर्णय नहीं दिया, मुस्कुरा के रह गए। प्रधानमंत्री हमारा नाम मेहर प्रताप सिंह, इलाहाबाद से। उन्हीं के नेतृत्व में
हिंदुस्तान का चुनाव होना है। और जो आज एनडीए बैकफुट में गई है, माननीय नेता ने जो काम किया है देश के अंदर, वो एक मानक बना हुआ है सामाजिक न्याय का। आप लोगों ने कहा था कि चुनाव हम लोग अपने नेता से अपील करने आए थे और हम लोगों ने अपील किया है। उन्होंने कहा वो फैसले जो आगे भविष्य में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और इलाहाबाद की फूलपुर की जनता माननीय नेता को वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आवाम पूरी तरह से मुतमईन है और बड़े उत्साहित है। तो आपने सुना कि फूलपुर से जो जदयू के नेता आए हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार से हमने मांग की थी कि वहाँ से आप लोग चुनाव लड़ें, और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि हम अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन दिसंबर महीने में वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय ले सकेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।